कभी कभी ऐसा दिन होता है ना, आप कोई नई चीज़ देखते हो फिर पूरा दिन उसके बारे में पढ़ने लग जाते हो कि यार ये कैसे काम कर रहा है, मैं भी इसको सीखूंगा। आज वो दिन नहीं है। सो जब मैंने पहली बार ChatGPT यूज़ किया था तब वो दिन था, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए LLM होता क्या है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ LLM। तो LLM को एक बच्चा समझिए जिसको हमने बहुत कुछ सिखा रखा है, बस फर्क इतना है कि ये आपकी बात मानता है। ऐसे मानना ऐसे, ठीक है? कैसे? ऐसा। हाँ ठीक है, समझ गई। एग्जाम्पल के लिए ChatGPT को हमने पूरे इंटरनेट से ट्रेन कर रखा है, उसको पूरी इंटरनेट की नॉलेज है और इसलिए जब भी आप उससे कुछ भी सवाल पूछते हो वो आपको आंसर दे देता है। अब ट्रेंड मॉडल को हम एक और नाम से जानते हैं, इन्फ्रेंस। ट्रेंड मॉडल में एक इशू है, अब आपको उसको हर चीज सिखा देते हो, हर चीज सीखने के बाद क्या होगा, एक स्पेशलाइजेशन मिस हो जाएगा। अब उस स्पेशलाइजेशन को करने के लिए आती है एक और टर्म, फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग क्या करता है, ऑलरेडी जो ट्रेन मॉडल होते हैं उनको ट्रेन करता है एक स्पेसिफिक डेटा में। मान लेते हैं आपको अपना दिमाग का मिमिक करना है, अपना दिमाग LLM में लाना है, तो आप क्या करोगे, अपने खुद के जो थॉट्स होते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स बना दोगे, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट बना दिए, फिर आप उसको फाइन ट्यून करोगे, फाइन ट्यूनिंग में दोबारा से उसको ट्रेन करोगे और फिर उसके बाद वो आपका दिमाग जो होता है आपका वो कॉपी हो जाएगा LLM के अंदर। इतना अमेजिंग पावर है इसकी। मुझे इंजीनियर्स को हेल्प करने में मजा आता है, मुझे रिस्क लेने में मजा आता है, ठीक है? समझा क्या? अरे देखो, इसको ऐसे ट्रेन नहीं करते जैसा कि मैंने बोला, आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट लाने होंगे अपने थॉट्स के, जो भी आप सोचते हो, फिर उसको इसको सेंड करना होगा। फाइन ट्यूनिंग ऑलरेडी होती है, अगर आपको देखना हो OpenAI के डॉक्यूमेंट में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको पता चलेगा कैसे हम डॉक्यूमेंट उसको पास करते हैं, कैसे वो फाइन ट्यून होता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ही ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते, गूगल करिएगा इसको, आपको पता चल जाएगा। बट यहाँ पर एक और बात आती है कि इसका एक अल्टरनेटिव भी है, जो एक सस्ता तरीका है, वो हम डिस्कस करेंगे कुछ देर में। अब देखिए, जब भी आप किसी बच्चे को कुछ सवाल पूछते हो तो कुछ सोचता है फिर आंसर देता है। बॉल सिल्क? सिल्क। दो बार बॉल? सिल्क सिल्क। तीन बार बॉल? सिल्क सिल्क सिल्क। गाय क्या पीती है? मिल्क। गाय पानी पीती है। सेम इसी तरह LLM भी आंसर देता है। मान लेते हैं आपने पूछा कैपिटल ऑफ इंडिया, अब इसको वो क्या करेगा, टोकन्स में कन्वर्ट करेगा, टोकन्स में कन्वर्ट करके उसकी नेक्स्ट प्रेडिक्शन करेगा। नहीं समझ में आ रहा है ना आपको, एक एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं आपने बोला कैपिटल ऑफ इंडिया, अब वो इसको क्या करेगा, तीन टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे पहला हो गया कैपिटल, अब कैपिटल वो देखेगा यार आपने कैपिटल भेजा है, हमने कैपिटल भेजा है, तो अगला वर्ड क्या आ सकता है, कैपिटल इज आ सकता है, कैपिटल ऑफ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, तो ऐसी प्रेडिक्शन बनाएगा। अब जैसे उसको दिखेगा हमने ऑफ लिखा है, कैपिटल ऑफ, तो दो टोकन हो गए। अब तीसरा टोकन वो प्रेडिक्ट करेगा कि क्या आ सकता है, अब कैपिटल ऑफ कुछ भी आ सकता है, आगे कंट्रीज के नेम आ सकते हैं, USA, अर्जेंटीना, इंडिया, कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे हमने इंडिया लिखा है, तो तीन प्रेडिक्शन ऑलरेडी हमने उसको दे दी है, कैपिटल ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट प्रेडिक्शन वो क्या करेगा, इज दिल्ली, ठीक है? ऐसे वो प्रेडिक्ट करता है। तो बेसिकली आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसके टोकन्स को कन्वर्ट करता है प्रेडिक्शन बनाने के लिए। टेक्निकली कहना कि ये प्रेडिक्ट करता है गलत भी है और सही भी है। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है कि कैसे प्रेडिक्ट करता है तो एक आर्टिकल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए, आप किसी को कितना ही सिखा लो बट अगर गलत सवाल पूछोगे तो गलत ही जवाब मिलेगा। ChatGPT कैसे काम करता है? डीपसी कौन से देश का है? तुझे कुछ नहीं आता। अब इसी को बोलते हैं हम प्रॉम्प्ट। जो भी आप पूछोगे वो हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो यही होता है कि कैसे आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। अब आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि LLM कितना अच्छा आंसर देगा। तो 90% खेल प्रॉम्प्ट का ही होता है, अगर आपने प्रॉम्प्ट अच्छा दिया है तो आपको रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। तो मेनली प्रॉम्प्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट जिसको आप एक प्रोफेशन समझ लीजिए। मान लेते हैं आपको एक LLM बनाना है, उसको आप बोलोगे यू आर ए चैटबॉट, जैसे एयरटेल MyJio के चैटबॉट होते हैं, तो उसको आप बोलोगे यू आर ए चैटबॉट और आप अपनी कंपनी की बात बता दोगे कि मेरा ये जियो कंपनी है, मेरी एयरटेल कंपनी है, तो वैसे ऐसे सिस्टम प्रॉम्प्ट हो जाएगा। अब उसको एक आपने डेजिग्नेटेड पोजीशन दे दी है, एक स्पेशलाइजेशन दे दिया है, उससे क्या होगा, अब जब भी कोई भी यूजर उसको पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, तो वो अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में देखेगा कि यार मैं ऐसे आंसर करूंगा। अगर आपको चाहिए कि वो इमोशन के साथ रेस्पॉन्ड करे तो आप उसमें लिखोगे कि यू आर ए इमोशनल चैटबॉट। अब ऐसे ही आता है सेकंड प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट। जो भी आप लिखोगे, जो भी आप सेंड करोगे, उसको हम बोलते हैं यूजर प्रॉम्प्ट। कैपिटल ऑफ इंडिया था हमारा एक यूजर प्रॉम्प्ट। अब देखिए, अगर आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है तो आपको कॉन्टेक्स्ट भी देना होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? हाँ यही तो, ले बेटा सब्जी लेके आ। अच्छा, पर लाना क्या? हाँ अरे वो ऐसी है, अरे फोन पे लगी हुई है, अब क्या लाऊँ, चलो देखते हैं क्या लाते हैं। 2 minutes later, ये लो। अच्छा बेटा ले आया, दे। ये क्या ले आया? मैंने तो 1 किलो तोरी, 2 किलो लौकी और 1 किलो आलू बोले थे, ये क्या है? अरे पर मुझे बताया थोड़ी था। तू भी किसी काम करिए निकम्मा कहीं का। हाँ यार।
अब आपके दिमाग में होगा कि यार यूजर तो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे कैसे आंसर देंगे। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमारी नॉलेज ही होती है। मान लेते सिस्टम प्रॉम्प्ट में आपने लिखा यू आर ए चैटबॉट, फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप जियो का पूरा दे सकते हो, आप एयरटेल की कंपनी का दे सकते हो, तो वही होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली आपको उसको बताना है कि भाई तू चैटबॉट तो है बट किसके लिए है, कौन सी कंपनी के लिए है, उसकी पूरी डिटेल देनी है, तो वो आप सिस्टम प्रॉम्प्ट में दे सकते हो। तो यहीं पे हमारी एक नई टर्म आती है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी कि फाइन ट्यूनिंग से अलग टर्म होती है जो आसान होती है, RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब इसमें क्या होता है, मान लेते हैं आपने कोई अजीब सवाल पूछा या फिर आपने कोई ऐसा सवाल पूछा जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में नहीं था, तो अब क्या करेंगे हम, यूजर ने जो भी यूजर प्रॉम्प्ट लिखा है ठीक है, उसके बेसिस पर हम सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा उसको उठा के ले आएंगे, या फिर उससे रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे उसको उठा के ले आएंगे और यूजर प्रॉम्प्ट के साथ ही उसको भेज देंगे LLM को। अब क्या होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते आपने लिखा आपका रिचार्ज कब खत्म होने वाला है, ठीक है, अब उसको तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, आपके अकाउंट की डिटेल उठा के ले आएंगे, उसको उसी प्रॉम्प्ट के साथ भेज देंगे कि आपने जो ऊपर सवाल पूछा था वो लिख देंगे पहले तो कि आपका अगला रिचार्ज कब है, ठीक है, और नीचे उस कॉन्टेक्स्ट दे देंगे कि अभी कौन सा करंट रिचार्ज है और नेक्स्ट रिचार्ज कितने का हो सकता है, क्या हो सके, कौन सी डेट है, ये सारा कॉन्टेक्स्ट उसके साथ में दे देंगे, LLM को भेज देंगे। अभी वैसे ही हो गया कि आपने क्वेश्चन भी उसको भेज दिया, आंसर भी उसको भेज दिया, तो फिर ऑब्वियसली वो तो आंसर दे ही देगा। तुझे पता है इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, क्या इंडिया की कैपिटल? दिल्ली। ओ बिल्कुल सही। RAG बहुत ही तगड़ी टर्म है, अगर आप इसका अच्छे से यूज करोगे तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ऐसे मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, तो अगर आपको चाहिए सब्सक्राइब कर लेना। अब क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं LLM की मेमोरी नहीं होती है? जी हाँ, LLM की मेमोरी नहीं होती है, जो मैंने आपको बोला सिस्टम प्रॉम्प्ट यूजर प्रॉम्प्ट यही सब उसके पास होता है। तो मान लेते हैं आपने कोई चैट इनिशियलाइज करी, उसमें जो जो आपके मतलब मैसेज आए हैं, यूजर प्रॉम्प्ट है जो आपने लिखा है, जो उसने भेजा है ChatGPT ने या फिर किसी भी मॉडल ने, उसको बोलते हैं हम असिस्टेंट प्रॉम्प्ट, असिस्टेंट मैसेज करके ऐसा कुछ बोलते हैं, और जो हमारा सिस्टम मैसेज होता है वो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ होता है LLM के अंदर। तो बस सिंपल इतना समझिए, जो आपने भेजा वो, जो उसने भेजा LLM ने, वो इन सबको एक स्टोर किया जाता है सिर्फ उसी चैट के लिए, ठीक है, और उसके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, कोई बाहर का कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। अब इसमें एक और बात आती है कि एक लिमिट होती है इसकी कि आप कितनी मेमोरी कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो, कितने आप मैसेज भेज सकते हो, कितना क्या कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने टोकन्स बोला था, ठीक है, तो ये टोकन्स के बेसिस पे ही करता है, कितने टोकन्स आप एक चैट में कर सकते हो, तो वही इसकी मेमोरी होती है। और मैं पहले बता देता हूँ, जो आपने टैब में खोल रखा है सिर्फ उतना ही उसको पता है, उससे अलावा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है उसको, अनटिल और अनलेस आपने RAG या फिर फाइन ट्यून कर रखा है। तो आपने एग्जांपल कहीं पर देखा भी होगा, ChatGPT ब्रेक कर जाता है, लिखा आता है कि लिमिट रीच्ड, तो वो यही होता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो रीच हो जाती है। एंड करने से पहले, LLM जब शुरू में आए थे तो उन्होंने स्टार्ट किया था सिर्फ टेक्स्ट बेस पे, ठीक है, हम टेक्स्ट भेजेंगे वहाँ से टेक्स्ट आ जाएगा। अभी भी मोस्टली LLM ऐसे ही करते हैं, पर धीरे धीरे वो मल्टी मोडलिटी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे क्या होता है वो इमेज जनरेट कर सकते हैं, इमेज ले भी सकते हैं, डॉक्यूमेंट ले भी सकते हैं, डॉक्यूमेंट जनरेट भी कर सकते हैं, तो अब मल्टी मोडलिटी की तरफ वो जाने लग रहे हैं। आज जितनी भी मैंने वर्ड्स बताई हैं इनको अच्छे से डीप में समझने के लिए आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन। तुझे क्या लगता है, कोडिंग डेड हो गई है? नहीं। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने ये वाली वीडियो देखी थी। ये वाली? हाँ। ओह।